मैं आपको ब्रेकिंग खबर दूं? जी 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 सर, फिर जो रास्ते मैं ब्रेक करें सबको। सर नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं। पक्के का डाकू फिर आ रहा है? पक्के का डाकू है सर। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो डेट दी गई है, तो उस हवाले से पीटीआई ने क्या लाया बनाया अपना? इलेक्शन और करवाएंगे? दो चीज़ें, हम इलेक्शन भी करवाएंगे, साथ उस ऑटो को चैलेंज भी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि 75 साल में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ये नहीं कहा गया कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। मैं आपको ब्रेकिंग खबर दूं? जी 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 सर, फिर जो रास्ते मैं ब्रेक करें सबको। सारी सियासी जमातों के 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। सबके इलेक्शन उन्होंने कहा बिला मुकाबला हुए, किसी को नहीं छेड़ा गया। ये आप जरा चेक करके देख लें, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। एक दूसरा ये कि ये तो लिखा हुआ है कि मुल्क में इलेक्शन कैसे होगा, लॉ में भी 2017 के एक्ट में और उसके रूल्स में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कैसे होगा। कुछ मजहबी जमातें वो कहते हैं अमीर साहब मुंतखब हो गए, और कहते हैं लीडर साहब मुंतखब हो गए। तो ये सब सियासत हो रही है, प्री पोल रिगिंग की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, इसी तरह से इमरान था, इमरान है, इमरान रहेगा। आप देख रहे हैं कि जो साड़ी गल हो गई है वाले जब जा रहे हैं नीचे, उनके साथ लोग क्या सलूक कर रहे हैं। इसलिए वोटर्स की तोहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आपके ज़रिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, 8 फरवरी बाहर निकलो, बस वोट डालो इंशाल्लाह अज़ीज़। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पे, वो ऐसी है कि वो ब्लास्टिंग सूरत हाल है लोगों के अंदर, वो फटना चाहता है वो सारा लावा। लेकिन सब्र करके 8 फरवरी को उसको लावे को निकालें। इमरान खान ताहयात हमारे चेयरमैन हैं। सर कोई लिमिटिंग पेटिशन ला रहे आपके पार्टी को? और भाई फील्ड दे लेवल प्लेइंग, तो वो मांगे जो बाहर नहीं निकल सकता घर से, उसका कोई घर का बंदा नहीं बाहर निकल सकता, उसकी पार्टी का बंदा नहीं कोई घर से बाहर निकल सकता। हम तो गए थे ना, मैं खुद मिलने गया था, आपको याद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे कमीशन को कहा था। उन्होंने एक स्टेप लिया है कि उन्होंने एक कागजी कार्रवाई के लिए सबको कहा है कि पीटीआई को बाहर निकलने दें, लेकिन 30 के बाद उनके पास बहाना ख़त्म हो जाएगा, जो ही शेड्यूल आएगा बाहर निकल रहे ना। लोगों ने उड़ा के मारा सारा, आपने देखा है, खौफ करक देख लें आप, मर्दान देख लें आप, दीर देख लें, और आप देहात देख लें पंजाब में, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं क्या हो रहा है इनके साथ। वो सब प्लेइंग फील्ड में जाएंगे फिर पता लगेगा। ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, और भाई वो वज़ीर आज़म नहीं है, याद रख लो, मैं इधर ही हूँ।